हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये कि क्या बिना वेरिफिकेशन के हमें फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है। अगर हम अपने फिक्स डिपॉजिट पर एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहें तो क्या उसमें भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और बिना वेरिफिकेशन के हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है? क्योंकि मैंने अभी एक हाल फिलहाल में वीडियो अपलोड किया था SBI सिक्योर क्रेडिट कार्ड को लेकर के, तो उस पर कमेंट आया था जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पढ़ के कि कमेंट क्या है। भाई, जानकारी सही दिया करो, बिना वेरिफिकेशन के कभी क्रेडिट कार्ड बनता ही नहीं, चाहे वो FD पे हो या फिर सैलरी पे या फिर सेविंग्स। तो इस तरह का कमेंट है तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूं, क्योंकि जो इन्होंने बात कही बिल्कुल इन जनरल बात की, ऐसा कहीं पे भी इन्होंने एक्सेप्शन नहीं लगाया कि किस बैंक के बारे में वो बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे बैंकों को लेकर के ये बात कह रहे हैं कि आप चाहे कैसे भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, चाहे वो FD पे हो, चाहे कैसे भी आपने अप्लाई किया हो क्रेडिट कार्ड, उसके लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो इस तरह के जो डाउट्स होते हैं ना, ज़बरदस्ती क्रिएट किए जाते हैं। मतलब ये जो कमेंट है, अगर कोई भी पढ़ेगा तो बंदा कन्फ्यूज हो सकता है कि क्या मतलब कि ऐसा सच है कि हम फिक्स डिपॉजिट पर भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते उसमें वेरिफिकेशन होता है, और क्योंकि वेरिफिकेशन में कभी कभी क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट भी हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी गलती हमसे हो जाती है, कहीं पे कोई गड़बड़ी हो गई तो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो डाउट्स होते हैं ना, ये कमेंट इस तरह के जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं, ज़बरदस्ती क्रिएट करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, और क्योंकि हमारे लोगों के बीच में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा सारे बैंकों के साथ में नहीं है, ठीक है। आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे सारे बैंक वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। कुछ बैंक करते हैं, कुछ बैंक नहीं करते हैं। अब मेरा सारे बैंकों के साथ में तो एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन जितने बैंकों के साथ में रहा है वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, और उसी के बेस पे मैं ये वीडियो आप लोगों को बना करके दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सके। और ख़ुद आप भी बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि क्या इन्होंने जो कमेंट किया है वो सही है फिर गलत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सच में वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है। तो देखिए, मेरे पास दो फिक्स डिपॉजिट वाले क्रेडिट कार्ड हैं, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दो हैं। एक है कोटक महिंद्रा बैंक का एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड, जो कि अभी के टाइम में वही ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड बन गया है। इसके अलावा एक है ICICI बैंक का इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, और ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स मैंने फिक्स डिपॉजिट करके अप्लाई किया था, और दोनों ही क्रेडिट कार्ड विदाउट वेरिफिकेशन के मेरे घर पे डिलीवर हो गए थे, मेरे एड्रेस पे डिलीवर हो गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डिलीवर हुए थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इस पे वीडियो भी अपलोड कर रखा है, बना रखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो बस मैंने वैसे ही अप्लाई किया था, मतलब ऑनलाइन मैंने फिक्स डिपॉजिट किया, उसी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। और उसके अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कोटक महिंद्रा बैंक की, तो चार दिन के अंदर मैक्सिमम मेरा जो क्रेडिट कार्ड था वो अप्रूव्ड हो गया था, और उसके जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे डिस्पैच मतलब रिसीव हो गया था मेरे एड्रेस पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ICICI बैंक के इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड की, तो वो भी मैंने सब कुछ प्रोसेस आपको ऑनलाइन करके दिखाया कि कैसे आपको अप्लाई करना है, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं जाके। हाँ, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और कुछ मुझे जो है 5 दिन लगे थे मैक्सिमम शायद कि उसमें, और मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, और जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड था वो मेरे मोबाइल फ़ोन में मतलब जो ICICI बैंक का iMobile ऐप है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, उसमें शो होने लगा था। इसी तरह से बिल्कुल जब मेरा कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ था, कुछ 3-4 दिनों में अप्रूव हो गया था, तो वो भी शो होने लग गया था मेरे कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा, कोई भी मुझे कॉल नहीं आया है, कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बस मैंने अप्लाई किया कुछ ही दिनों में जो अप्रूव हो गया। तो वेरिफिकेशन का यहाँ पे मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वेरिफिकेशन मतलब जैसे कि आप एक नॉर्मल रेगुलर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो वेरिफिकेशन होता है ना कि कॉल्स आते हैं वेरीफाई करने के लिए आपकी डिटेल्स, तो मतलब उस तरह के कॉल्स मुझे नहीं आए थे, मतलब कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। और वेरिफिकेशन का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि आपको सिर्फ कॉल्स ही आएँ, कई बार वेरिफिकेशन में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपके एड्रेस पे आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आ सकते हैं, या फिर आपका बिजनेस वेरीफाई करने के लिए आ सकते हैं, आपकी जॉब को वेरीफाई करने के लिए आ सकते हैं। तो मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग पैरामीटर्स पे वेरिफिकेशन होता है, और कभी कभी सिर्फ कॉल्स पे ही वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है। तो मतलब कि जो मैंने दो क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई किए थे फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, उसमें कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, विदाउट वेरिफिकेशन वो मुझे दोनों क्रेडिट कार्ड्स मिल गए, डिलीवर हो गए मेरे एड्रेस पे। इसके अलावा अभी जो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था पैसा बाजार SBI बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर के, तो उसमें भी मैंने बताया था, और आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे YouTube पे, कि इसमें तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो डिजिटल है। इसमें आपको कोई भी वेरिफिकेशन का इसमें कहीं नाम ही नहीं है, किसी भी तरह के वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस वेरिफिकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो कॉल्स आते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो आपसे डिटेल्स वेरीफाई कराई जाती हैं,
तो वो जो SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, पैसा बाजार SBI बैंक क्रेडिट कार्ड, उसमें तो पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटल है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, KYC आप जो है ऑनलाइन ही वेरीफाई करते हैं, मतलब जो KYC का प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन ही है, आप फुल KYC ऑनलाइन कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ आपको जो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, अगर आपका KYC का जो प्रोसेस है, मतलब KYC कंप्लीट आपने कर लिया, जैसे आपकी KYC कंप्लीट हुई तुरंत ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, मतलब इंस्टेंटली आपको जो है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है आपके मोबाइल फ़ोन के ऐप में, जो पैसा बाजार का ऐप है उसमें वो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आ जाता है। तो इसमें तो कहीं पे भी किसी भी तरह के वेरिफिकेशन का कोई जो है जिक्र ही नहीं है, मतलब वेरिफिकेशन की इसमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ये तो इंस्टेंटली आपको मिल जाता है। तो बताइए कहाँ से इसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, एक्सिस बैंक जो इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड इशू किया करता था, अभी के टाइम में शायद कि माइजोन इजी क्रेडिट कार्ड या फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड्स आ चुके हैं एक्सिस बैंक के जो आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू करता है, तो उसमें भी बहुत बार ऐसा होता था कि आपको इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता था और उसमें भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती थी, मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपका क्रेडिट कार्ड आपको डिलीवर कर दिया जाता था विदाउट एनी वेरिफिकेशन। अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा, वैसे मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुन रखा है जान रखा है इसके बारे में वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। इसके अलावा दोस्तों वेरिफिकेशन के बारे में इन्होंने बात कही है, तो और भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे कि प्री अप्रूव्ड का जो आपको ऑफ़र आता है, जैसे HDFC बैंक की तरफ से आपको जो ऑफ़र आता है उसमें तो आपको सिर्फ अप्लाई करना होता है और आपका क्रेडिट कार्ड मेरे ख्याल से वो ईमेल पे भेज दिया जाता है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, फिर कुछ ही दिनों में आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल जाता है, तो उसमें तो कोई भी मतलब वेरिफिकेशन नहीं होता, विदाउट एनी वेरिफिकेशन वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो फिर ये जो बात कही गई कि बिना वेरिफिकेशन के क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, चाहे आप कैसे भी अप्लाई करो FD पे हो या फिर कैसे भी, तो ये मेरे ख्याल से बात सही नहीं है, सारे बैंकों पर नहीं लागू है, बहुत सारे बैंक वेरिफिकेशन करते हों बल्कि करते हैं, बहुत सारे बैंक वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि SBI खुद ही, अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी वेरिफिकेशन होता है, कॉल्स आते हैं, तो हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन सारे ही बैंक करते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको दो एग्जाम्पल्स तो बता दिए हैं और एक एग्जाम्पल भी आपको वो पैसा बाजार SBI बैंक क्रेडिट कार्ड वो भी मैंने बता दिया, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बिना वेरिफिकेशन के क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, ये मेरे ख्याल से गलत है, पूरी तरह से गलत है बात। अब आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो बस दोस्तों इतनी जानकारी थी इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।